boss, yes boss. Yes boss. हाँ ठीक है, जरा फ्लावर वास को हाइट दो जरा. ठीक है, हाँ कर्टन ठीक करो, कर्टन ठीक करो. अरे वर्मा जी, एक मिनट, कर्टन ठीक करो. वर्मा जी, क्या बे? I'm sorry sir, I'm sorry. शूटिंग की तैयारी हो गई? सब कुछ रेडी है सर. मीरा जी बस मेकअप करा रही है, 5 मिनट में आती है. मीरा जी क्या कर रही है? मीरा जी इस एड की मेन मॉडल है सर. क्या बात कर रहे हैं? उनके हस्बैंड ने अलाउड किया? मुझे बड़ी जूतियां किसती पड़ी थी लेकिन अलाउ कर दिया. भाई एक्सक्यूज मी, इस कंपनी का प्रोड्यूसर कौन है? हु इज द प्रोड्यूसर? ये कोई तरीका है? ये कोई मखौल है? क्या लगा रखा है आप लोगों ने? क्या हुआ? आधा घंटा पहले मीरा बेबी ने लस्सी का ग्लास मंगाया है, कोई लेके नहीं आ रहा. क्या हो रहा है वर्मा जी? अरे स्पॉट मीरा जी की लस्सी लाओ, लस्सी लाओ यार. सर उन्हीं को देने जा रहा हूं. इधर लाओ यार, उन्हीं को देने. अरे मगर लस्सी तो मीरा जी ने मंगाई थी ना. लेकिन मेरे लिए मंगाई थी ना मीरा बेबी ने. कुछ कहा? नहीं सर, मैं बड़ा प्री ऑक्यूपाइड हूँ, बहुत वर्क्ड अप. माफ करना बरखुरदार, हमने जवानी में लिप रीडिंग का कोर्स किया हुआ है और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप मेरी माता जी को याद कर रहे थे. नहीं सर. अरे भाई शॉर्ट एडी मीरा जी को बुलाओ ना भाई. अरे मगर मोहन जी कहाँ है भाई? मोहन जी नहीं है, तभी तो काम स्मूथली हो रहा है सर यहाँ पे. ऐसी बातें कर रहे हैं वर्मा जी, मोहन जी हमारे विजुलाइजर है, उनका होना बहुत जरूरी है. कहाँ है वो? वो गए किसी शादीशुदा औरत के पीछे पीछे. क्या मतलब तुम्हारा? सर आपको मालूम नहीं है, बहुत लूज करेक्टर का, बड़ा चीप और चाइना किस्म का आदमी है सर वो. क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सर एक्सक्यूज मी, आई डोंट लाइक दिस नॉनसेंस. मतलब आदमी यहाँ सामने है नहीं, आप पीछे से बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, कुछ तरीका है? सामने बोलिए ना, हिम्मत है तो. अरे भाई शॉर्ट एडी मीरा जी को बुलाओ यार. सर सर मीरा जी पहुंच चुकी हैं फ्लोर पे, मैंने उनको सब कुछ समझा दिया है, डायलॉग समझा दिया है, आप बस एक्शन बोलिए. ऑलराइट, रोल कैमरा एंड एक्शन. भाई आप इतनी जोर से एक्शन बोल रहे हैं, मैं दिल का मरीज हूँ, कमाल कर रहे हैं, मार डालेंगे आप तो. ओके ऑलराइट. आप रोल कैमरा एंड एक्शन. हेलो, तुम आ रहे हो ना? क्यों? बिकॉज आई लव. बोलिए मैडम क्या चाहिए? क्यों मारा? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं मोबाइल फोन पे बात कर रही हूँ? कौन सा मोबाइल है? भूकिया मोबाइल. ओह तो और एक मारिए ना. देखा भूकिया मोबाइल का कमाल, यू जस्ट लव इट. गॉट इट मीरा जी, यू वर एक्सीलेंट, यू वर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. माइंड ब्लोइंग, शी वाज गॉर्जियस. भाई वाकई मजा आ गया. अब ये बताओ चमचागिरी बंद करो मैडम की, और ये बताओ कि इसका रश प्रिंट कब निकलेगा और कब दिखाओगे, और डबिंग और एडिटिंग और मिक्सिंग कहाँ करनी है वो मैं बताऊंगा. चलो बेबी चलो दूसरी शूटिंग है फिल्म स्टार से. चलो चलो ओके, पेमेंट भिजवा देना. पागल हो गया. डबिंग एडिटिंग ये सब जानते ही है. थैंक यू मिस्टर भोकिया, आई न्यू दिस एड विल डू वंडर्स टू योर प्रोडक्ट. या थैंक यू वेरी मच. या विनोद 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 विनोद, तुम्हें पता है अभी मैंने एक एड देखी भोकिया मोबाइल फोन की, उसमें जो मॉडल थी ना बिल्कुल मीरा जी जैसी लग रही थी. अरे बेवकूफ औरत, वो मॉडल मीरा की जैसी नहीं बल्कि मीरा जी हैं. क्या? और वो एड मैंने डायरेक्ट की है. सारी दुनिया मेरी कदर करती है, सिर्फ तुम्हें नहीं करती. व्हाट इज दिस विनोद, तुमने एड डायरेक्ट की तो मैं उसमें मॉडलिंग नहीं कर सकती थी क्या? घर के सारे आईने टूट गए हैं क्या? क्यों? क्या के शक्ल देखो मालूम पड़ जाएगा क्यों. हेलो, या विनोद वर्मा. Oh, thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. I know it's a hit ad. Yeah. अरे भाई, अरे क्या, अरे नहीं नहीं नहीं. अच्छा भाई मीरा जी तो है ही हसीन औरत. एड में कुछ ज्यादा लग रही है. नहीं नहीं नहीं, बाहर काम नहीं करेंगी बिकॉज उनका मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है. यू समझ लीजिए कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, मीरा और विनोद. नहीं, मैं आपका मैसेज पर्सनली उनको कन्वे कर दूंगा. आई विल बी मीटिंग अ वेरी या मैं जा रहा हूँ. कहाँ? मीरा जी की. तुम मीरा जी की यहाँ नहीं जा रहे हो विनोद, मेरे हाथ से जा रहे हो. मीरा जी, मीरा जी. नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं? बस ठीक हूँ. गुड मॉर्निंग सर. मीरा जी, टुडे लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटीफुल. थैंक यू सर, थैंक यू सर. मीरा जी बताइए कि स्टार बनने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? अरे वर्मा बेटे तुमने क्या अच्छी एड बनाई, बढ़िया एकदम. क्या बताऊं आंटी जी, बस मीरा जी को देखा, तसव्वुर किया और इंस्पायर होके एड बनाया. सो ये अच्छे बनाए हैं सैंडविच, लेकिन मक्खन बहुत कम है इसमें. मेरा जी हिप्पोपोटामस क्या कर रहा है आपके घर में? सर वो एड के चक्कर में मैडम को कांग्रेट्स बोलने के लिए आया था. मैंने आपको थैंक यू कह तो दिया है मोहन जी. मैडम थैंक यू क्या? आपने तो इतने सैंडविच बना दिए, समझ नहीं आ रहा खाऊं या बांध के ले जाऊं. अगर आइंदा आपको इस तरह के सैंडविच खाने की जरूरत महसूस हो तो मेरे घर चले आइएगा, वहां तो आपके लिए 24 आवर्स लंगर लगा रहता है.
सर मैंने एक बार खाया था आपके यहाँ पर। खाया था ना आपने? खाया था ना, लेकिन उसके बाद मुझे 30 डेज का बेड रेस्ट लेना पड़ा। अच्छा लिसन, आई डोंट वांट टू लूज माय कूल, आप निकलिए यहाँ से, मुझे मेरा जी के साथ कुछ अकेले में बात करनी है। हाँ तो वो है सर, कुछ बेटे मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। श्योर। कहिए सर क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए सर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या है मोहन जी के मैंने आपसे कहा था आप निकलिए, चलिए यहाँ से। सुना आपने? सर आप इनसे अकेले में बात नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकता? सर इनके हस्बैंड बहुत नाराज हो जाएंगे, घर में बवाल खड़ा हो जाएगा, आप जानते नहीं है। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मैं मैडम के ऊपर नजर रखूं, तो किससे बात कर रहे हैं किससे बात नहीं कर रहे हैं। सर माफ कीजिएगा, जब वो होते हैं तो आप नहीं होते और जब आप होते हैं तो वो नहीं होते, इसका मतलब मैं क्या निकालूं? मतलब ये कि निकलिए। मतलब ये निकलता है सर कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्या उनकी खुद की नजर जो है वो कमजोर है? और चश्मा पहन लेते हैं तो एक की 6 हो जाती है, लेकिन जब मैं पहनता तो 6 की 1 हो जाती है। सिर्फ 6 हो जाती है सर। जस्ट कीप योर फोन बॉक्स शट, डोंट डू इट। I don't want to lose my cool. I want to be focused. हाँ मैं क्या सोच के आया था? मेरा जी मैंने आपको स्टार बना दिया ओवरनाइट। जी जी सर। आपको ग्लैमर दिया, पॉपुलैरिटी दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। जी सर। इसके एवज में मुझे आपसे छोटी दरख्वास्त करनी है। क्या दरख्वास्त करनी है सर? मैं आपसे कान में कुछ कहना चाहता हूँ मेरा। सर आप कान में नहीं कह सकते, मैं आपको समझा चुका हूँ, मीरा मैडम के हस्बैंड नाराज हो गए तो आपको थप्पड़ तक मार सकते हैं वो। आई डोंट माइंड टेकिंग दैट रिस्क। मीरा जी कान लगा लीजिए सर। इधर आइए इसको। आपको मालूम आप कैसे मरेंगे? कैसे सर? खा खा के मरेंगे आप। अरे वर्मा बेटे चाय तो पी के जाओ। मीरा तुम्हारे कान में क्या बोल कर के आई है? कुछ नहीं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मीरा आई वांट टू नो व्हाट ही टोल्ड यू इन द ईयर। बताती हूँ पापा, शांत हो जाओ, चिल्लाने की क्या जरूरत है। उनने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि मीरा क्या तुम मुझे लंच से लेकर डिनर तक कंपनी दे सकती हो? No ways, no ways. There is only one boy who can give you company from lunch to dinner. That's me. मेरी एक बात सुन लो तुम, ये मेरी नौकरी का सवाल है, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, मैं जाऊंगी। मीरा अगर तुम गए तो तुम्हें मेरी लाश पर होकर गुजरना पड़ेगा। मीरा गुजर जाओगी। मीरा ओवर माय डेड बॉडी। ए लाश। देखो भाई तुम्हें अगर मीरा की कंपनी चाहिए ना हाँ। तुम एक काम कर सकते हो। कौन सा काम? वर्मा बेटे के साथ कंपटीशन कर लो, उसमें जो भी जीतेगा उसे मीरा की कंपनी मिल जाएगी लंच से लेके डिनर तक। गुड आइडिया, गुड आइडिया। आई लव कंपटीशन। सासू माँ बुढ़िया हो लेकिन दिमाग अभी भी तेज तरार है। मिर्ची। वाह वाह मोहन जी वाह, क्या बढ़िया आइडिया दिया है। अपनी भोके मोबाइल के एड को प्रमोट करने के लिए ये कॉम्पिटिशन फौरन डिक्लेयर कर दो। अरे सर आप मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं? आपको याद दिलाने की ये केबिन आपकी है और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप फिर लेट आए। ये चमचागिरी बंद करिए आप। चमचा है पर काम का है। बता कितना बढ़िया आइडिया दिया इन्होंने। इन्होंने आइडिया दिया। बता बता। सर जी आपने जो भोकिया मोबाइल की एड फिल्म बनाई है उसको बूस्ट करने के लिए हम एक कॉम्पिटिशन का ऐलान कर देंगे। उसमें यह होगा कि हम एक स्लोगन डाल देंगे कि मुझे भोकिया मोबाइल पसंद है क्योंकि। अब जिसका स्लोगन भोकिया साहब के पर्सनल स्लोगन से मैच करेगा उस आदमी को भोकिया साहब अपनी तरफ से 50,000 रुपए का कैश नगद इनाम देंगे सर। और हमारी जो कंपनी है हम उसकी तरफ से उसको बोनस देंगे। यू नो व्हाट द बोनस? व्हाट बोनस? जीतने वाले को मीरा मैडम की कंपनी मिलेगी राइट फ्रॉम लंच टू डिनर, अनइंटरप्टेड अनडिस्टर्ब्ड कंपनी। असल में काम करते हैं सर कि हमारा जो अपना स्टाफ है ना सर उसको भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की हम इजाजत दे देते हैं। मतलब सद्दू भी? एनीबॉडी सर। व्हाट आई मीन सद्दू, मैं, तन्वीर, लोअर स्टाफ। व्हाई लोअर स्टाफ? व्हाई नॉट मी? व्हाई नॉट अपर स्टाफ? ओके 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 ओके। मतलब मोहन जी आप लंच से लेकर डिनर तक मीरा जी के साथ रहना चाहते हैं? लाल हो गए टमाटर की तरह गाल इनके। Excuse me sir, जब मेरा मैडम आपकी तारीफ करती है ना तो आपके गाल काले पड़ जाते हैं। Don't try to be one up with me always and I remember this, you should have a panga with me now. Good morning sir. मीरा जी, good morning. Sir, यहाँ कोई important meeting चल रही है? हाँ मीरा जी, हाँ बिल्कुल meeting चल रही है। मैंने एक बड़ा अच्छा idea दिया VP साहब को। आपने? जी मैंने। जब दो officers बात कर रहे होते ना तीसरा टुच्चा बोलता नहीं बीच में। मेरा जी आइडिया देखिए क्या है कि हमने वो भोके मोबाइल की एड बनाई थी ना जी जी, उसको वो करने के लिए वो क्या बोलते हैं बूस्ट, बूस्ट। हाँ, बूस्ट करने के लिए हमने एक नई स्कीम निकाली। अच्छा, और कॉम्पिटिशन है सर। ओके कॉम्पिटिशन निकाला है और आपका मालूम है इसकी प्राइस मनी क्या है? क्या है? प्राइस मनी इज 50,000 सर।
50,000 और दूसरा एक्स्ट्रा बोनस ये है कि जो जीतेगा वो आपके साथ लंच से लेकर डिनर तक टाइम स्पेंड कर सकता है आपकी कंपनी में. व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं? पर डोंट वरी मैडम, हमारा अपना स्टाफ भी इसमें हिस्सा ले रहा है. आपके कहने का मतलब है अगर कोई एरा गैरा या कॉम्पिटिशन जीत गया तो मुझे उसके साथ लंच और डिनर करना पड़ेगा? मीरा जी, आप कंपनी के लिए इतना भी नहीं कर सकती. इसके बदले में सर मुझे क्या मिलने वाला है? मैं मिलूंगा आपको, चलूंगा आपके साथ. आप भी चलेंगे इनके साथ? सर समझे नहीं सर, क्या है कि कंपनी की तरफ से एक आदमी इनके साथ जाना चाहिए ना, एज एन एस्कॉर्ट. सर ये ठीक, ये ठीक, क्योंकि सर इनकी जो सेफ्टी है और सिक्योरिटी है दैट शुड बी अवर प्राइम मोटो. सर आपको बता रहा हूँ, आप हार के भी जीतना चाहते हैं क्यों? हम जा सकते हैं, हम मर्द नहीं है, हमने चूड़े नहीं पहन रखी, हम भी जात के राजपूत है, समझे? ओए शट अप राजपूत, ये क्या लगा रखा है, काम की बात करो. अच्छा सर, ये जो 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 सवाल है हरी रंग, इसका जवाब, इसका जवाब क्या होगा सर? देखो इसका जवाब तो मिस्टर भोगिया जानते हैं, वो एक कागज पे लिख कर एक स्पेशल एनवेलप में डाल के मुझे देने वाले हैं. ओह दैट्स गुड. सर जी एक बात बताओ, मैंने भोगिया मोबाइल फोन की सिग्नेचर ट्यून भी सोच ली है. क्या बात करो, क्या है बताओ? क्या क्या बात है, क्या बढ़िया चूर है. एक डॉग बना देंगे सर मोबाइल के ऊपर. डॉग डॉग अपनी फोटो छपालेंगे मोबाइल के ऊपर. हमारा भोकिया फोन एक कॉम्पिटिशन अनाउंस कर रहा है जिसका सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 50,000 रुपए और साथ ही मिलेगी हमारी मॉडल मीरा श्रीवास्तव के साथ लंच से लेकर डिनर तक की कंपनी. तो सवाल है, मैं भोकिया फोन पसंद करता हूँ क्योंकि डैश 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 डैश. तो जल्दी से अपने जवाब इस पते पर भेज दीजिए. दिस इज सो सिंपल, इसका जवाब तो मैं भी लिख के भेज सकती थी. एक बात समझ में नहीं आई, भोकिया कंपनी वाले इतना बड़ा कंपटीशन रख रहे हैं और विनोद ने मुझे बताया नहीं. अच्छा 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 अच्छा, हमारी जनता के पास कितना फालतू का टाइम है कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए. अरे भाई मेरे यार आजकल किस काम में मसरूफ हैं? आपके पापों का फल भुगत रहे हैं. क्या मतलब? क्या मतलब, कंपटीशन का आइडिया तेरा था ना? तो देख सुबह से झाकियां बने हुए हैं हम लोग. और क्या, पोस्टमैन की तरह हम सॉर्टिंग कर रहे हैं. हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से लेटर्स आए हैं. हाँ। धारावी, झुमरी तलैया, पटना पटना. अरे ये सब बेकार है, इनको फाड़ के फेंक दो यार. अब मुझे ये बताओ कि वो लिफाफा जो भूकिया साहब ने बीपी साहब को दिया है जिसमें सही जवाब है वो कहाँ है? हाँ मैंने देखा ना, बीपी साहब ने वर्मा साहब को दिया है, उन्होंने अपनी कोट की जेब में रखा है, ग्रीन कलर का है. ग्रीन ग्रीन वर्मा साहब को दे दिया? हाँ मतलब वो लिफाफा मेरी नाक के नीचे से गुजर गया और मुझे पता भी नहीं चला. वरना पानी लगा के उसको खोल लेते, सही जवाब पढ़ लेते, बाद में थूक लगा के सील कर देते. मतलब मीरा मैडम के साथ कौन जाएगा वो पहले से फिक्स? क्या मतलब? अरे वर्मा साहब के पास जवाब है, वही जाएंगे. मैं ये होना नहीं दूंगा, होना भी नहीं चाहिए. तूने कभी जिंदगी में चोरी वोरी की है? What nonsense. Hey, मैं एक बहुत ईमानदार आदमी हूँ. सद्दू तूने कभी चोरी की है जिंदगी में? मैं तो हर महीने करता हूँ, ऑफिस की रद्दी जाती का है. यार वो मतलब नहीं है, किसी की जेब में पार्टी है क्या? हाँ कई साल पहले मुझे कड़की थी ना, तब ट्रेन के भीड़ में है ना मैंने एक पॉकेट मारा. अच्छा गुड गुड, शाबाश 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 मेरे यार. फिर क्या हुआ? बाद में पता चला वो मेरा ही था. भीड़ में है ना मैंने अपनी जेब में हाथ डाला. तुम्हारे जैसे नकारा दोस्त हो ना जिस आदमी के, उसको दुश्मन नहीं चाहिए. अब ये काम तो मुझे खुद करना ही पड़ेगा. मतलब मेरे पास अब एक ही आसरा है और वो है कविता मैडम. क्या ये आप क्या कह रहे हैं मोहन जी? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैडम. हमारे वीपी साहब ने क्या किया है कि कंपटीशन का जो सही जवाब है वो एक हरे रंग के लिफाफे में डालकर उसको सील कर वर्मा साहब को रखने के लिए दे दिया है और वर्मा साहब ने वो हरे रंग का लिफाफा अपनी कोट की जेब में रखा हुआ है मैडम. ये वीपी है ना बिल्कुल सर्किट है, बिल्कुल पागल है. अरे जिस काम से मीरा जी का ताल्लुक हो उस काम में विनोद को जरूर इन्वॉल्व करेंगे. वो सब छोड़िए मैडम, नाउ आई नीड योर हेल्प. मेरी हेल्प? क्यों? आप समझी नहीं, इस काम में आप इनडायरेक्टली अपनी खुद की हेल्प करने वाली हैं. वो कैसे मोहन जी? मैडम देखिए कि जो ये कंपटीशन जीत जाएगा वो मीरा मैडम के साथ लंच से लेकर डिनर तक पूरा टाइम स्पेंड करने वाला है. तो कोई भी जीता ना मुझे क्या? वर्मा साहब जीत गए तो विनोद कैसे पार्ट ले सकता है कॉम्पिटिशन में, वो तो MD है. अरे मैडम पूरा स्टाफ पार्ट ले रहा है, इट इज फ्री फॉर ऑल, एवरीबॉडी इज टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन. वर्मा साहब क्या, वीपी क्या, तनवीर क्या, सद्दू क्या, एवरीबॉडी. रियली मोहन जी? यस मैडम यस. अब मैं क्या करूं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. अभी आपको वो लिफाफा उनकी जेब से निकालना है. मुझे जीतना. ओह माय गॉड विनोद आ गया. क्या करूं? छिप जाइए छिप जाइए, टेबल के नीचे. नहीं नहीं फ्रिज के पीछे छिप जाइए.
दरवाजा खोलने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगती है? अब, अब, वो क्या है ना विनोद, मैं जरा किचन में काम कर रही थी। कहीं तुम उस मोहन के साथ खिचड़ी तो नहीं पका रही थी? खिचड़ी क्यों, मैं तो मोहन जी के साथ बिरयानी भी बना सकते हो। पुअर जोक, अपने आप को देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर को देखो, जीरो है तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा सुनो, कल से मैं जरा ऑफिस से लेट आऊंगा। क्यों, मीरा जी अवेलेबल है क्या? जिक्र आ गया मीरा जी का, बिना उनका नाम ले तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। क्या कर रही हो? क्या कुछ नहीं, खाना हजम कर रही हूँ मैं। ये कोट निकाल रही हूँ। क्यों? डार्लिंग, तुम्हारी मदद कर रही हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। याद है सवेरे मैंने तुमसे कितने प्यार से कहा था, कविता प्लीज मुझे कोट पहना दो, तो तुमने क्या कहा था? मीरा जी से पहन लो। कान खोल कर सुन लो, एक बात कान खोल कर सुन लो, कोट पहनने के लिए मीरा जी के घर जा सकते हो, लेकिन उतारने के लिए सिर्फ मेरे पास आना होगा, समझे तुम? I understood. Come on, leave now. तो ये है कंपटीशन का सही जवाब। अब हमें इस लिफाफे में गलत जवाब डालना है और हमारा काम हो गया। देख ताली तेरी मुझ काली। मुझ आई नहीं। सजो, सजो। नमस्कार, सबसे पहले हमारा भोकिया फोन इस्तेमाल करने के लिए आप सबका शुक्रिया। अब मिस्टर भोकिया आपके सामने उस विजेता का नाम घोषित करेंगे जिन्हें हमारी कंपनी की तरफ से 50,000 रुपए मिलेंगे और साथ में मिलेगी हमारी मॉडल मीरा जी के साथ लंच से लेके डिनर तक की कंपनी। यही नाम तो मुझे ही मिलने वाली है, जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने ग्रीन लिफाफे में से सही जवाब पढ़ के लिख दिया था। और हमारे विनर है मिस्टर विनोद वर्मा। थैंक यू वेरी मच। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मुझे मालूम था कि आप सही जवाब चोरी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने इस एनवलप में गलत जवाब दिया। ये चीटिंग है। जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो छिछंदर। मीरा जी कल सवेरे आप 8 बजे रेडी हो जाइएगा प्लीज। 8 बजे? जी सर, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अगर मैं अपने ब्रेकफास्ट को लंच बोलूं, डू यू माइंड? मीरा जी विल हैव अर्ली लंच एंड वेरी लेट डिनर, राइट? So be ready by 8 o'clock tomorrow morning. Meera ji. Yes, sir. Meera ji, main aa gaya. Aaj early lunch se lekar late dinner tak aap mere saath hain. Just you and me. Plus. Sir, thank you sir. Sir, main puri tarah se taiyar hoon sir. Puri tarah se. Darling, jaldi karna, Varma sahab aa gaye hain. Lekin Darling ko kyun bula rahi hain? Aa gaya. Are, which fool gave you this? Matlab ye phool tumhe kisne diye? Inhone. Very good. Chalo bhai, main taiyar. Aap bhi ja rahe hain hamare saath? Kyun nahi jaunga? Aapka wo jo कंपटीशन है उसके नाम में ये कहा लिखा हुआ था कि मीरा अकेली जाएगी आपके साथ? भाई मैं अगर पीछे रह गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? चलो मीरा, लेट्स गो डार्लिंग। ओके, दवाइयां खिलानी है, सैंडविच खिलाना है। कौन था?